नमस्कार, मैं किशोर कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है संत साहित्य। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के चार भाग माने जाते हैं। पहला जो भाग है आदिकाल, आदिकाल के बाद जो काल आता है उसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मध्यकाल कहा था और कई अन्य विद्वानों ने उसे भक्ति काल कहा है। संत साहित्य जो है वो भक्ति काल में उदय हुआ था ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आदिकाल के अंदर सिद्ध जो साहित्य था, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ था और नाथ साहित्य से संत साहित्य का विकास हुआ था, जो पहले संत माने जाते हैं कबीरदास जी। तो देखिए, सिद्ध साहित्य जो था, जो 7वीं सदी से ही आरंभ हो गया था, लगभग 1000 सदी तक भारत में वो चल रहा था, उसी से जो नया साहित्य विकसित हुआ था जिसको नाथ साहित्य की संज्ञा दी गई थी। नाथ साहित्य से संत साहित्य उदय हुआ था और इस प्रकार भक्ति काल में या मध्य युग में संत साहित्य का उद्भव हुआ, जिसके पहले प्रवर्तक संत जो है वो कबीरदास जी माने जाते हैं। देखिए, संत या नाथ साहित्य जो था उसकी कई शाखाएं थी। नाथ संप्रदाय में भी आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के संप्रदाय बने हुए, कई प्रकार की शाखाएं हैं। संत साहित्य में भी कई प्रकार की शाखाएं थी, लेकिन उन शाखाओं का मूल उद्देश्य जो था वो एक समान था। जैसे कि निराकार, सभी जो संत हैं वो निराकार बिना आकार के ईश्वर में विश्वास रखते हैं। निराकार की उपासना या उस निराकार को स्मरण करना, स्मृति करना, याद करना, ये सब उनका एक सैद्धांतिक जो है वो नियम है कि वो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। दूसरा, देखिए, संत साहित्य जो है उसमें गुरु परंपरा, ये गुरु को ईश्वर से भी अधिक आदर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनके अनुसार गुरु ही वह पात्र है, वह चरित्र है जो हमें उस निराकार से साक्षात्कार करवाता है। दूसरी बात, ये मानवतावादी दृष्टिकोण, इनमें भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति आदि सब चीज़ों को ये नकारते हैं। और नकारते कैसे हैं? ये सभी मनुष्यों को, सभी जातियों को एक समान मानते हैं। संत साहित्य के अनुसार संत कहते हैं, जब प्रकृति मानव मानव में भेद नहीं करती तो मानव मानव में भेद करने वाला जो सिद्धांत है वो नकारात्मक है। इस प्रकार संत साहित्य जो है एक, देखिए, आडंबर विरोधी, मूर्ति पूजा का विरोध और भी बहुत सारी कुरीतियाँ जो हमारे समाज में या धार्मिक रूप से हमने ओढ़ रखी हैं, उन कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया है। दूसरा, देखिए, ये मूल रूप से किसी के विरोधी नहीं है, ये उन सिद्धांतों के, उन कुरीतियों के, उन नियमों के विरोधी हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के मध्यकाल में जो दो शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं, सगुण और निर्गुण, सगुण शाखा वाले जो लोग हैं वो साकार ईश्वर को मानते हैं और निर्गुण शाखा वाले संत जो हैं वो निराकार ईश्वर को मानते हैं। संत जो थे वो भी दो प्रकार के, एक तो सूफिया संत, दूसरा जो ज्ञान मार्गी थे। इस प्रकार संतों की हमें दो शाखाएं इस युग में दिखाई देती हैं, एक तो भक्ति मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। तो एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि संत साहित्य जो था वो कोई प्रायोजित नहीं था कि किसी योजना बनाकर उसको तैयार किया हुआ, ऐसा नहीं था। संत जो थे वो समाज को अपने ज्ञान का जो ज्ञान जो दे रहे थे वो एक स्थान पर बैठ के नहीं, बल्कि वो समाज के अंदर जा रहे थे, यानी कि वो भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह घूम घूम कर वो अपनी बात को बता रहे थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने
जनता के समक्ष या समाज के बीच जाकर जब अपनी बात कही तो उन्होंने उसी भाषा को अपनाया जिसको जन सामान्य समझ सके। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि संत जो साहित्य था वो कोई प्रायोजित साहित्य नहीं था। नेक्स्ट अपन संत साहित्य के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।